हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के समक्ष भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी पूछे जाने वाले प्रश्न कराने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, या फिर बिहार सरकार में चाहे इंटर लेवल की तैयारी या फिर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी, जो भी बिहार दारोगा की तैयारी, बिहार पुलिस की तैयारी, सिविल कोर्ट की तैयारी, हाई कोर्ट जो क्लर्क है या सहायक है उसकी तैयारी, तो सभी प्रकार के परीक्षा में पूछे जाने वाले, सभी प्रकार के परीक्षाओं में जो पूछा जाता है प्रश्न, और ये छपता ही है, एक भारत के राष्ट्रपति से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न मैं कराया हूँ, एक एक आर्टिकल मैं कराया हूँ, आप इसे पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि इतनी बेहतर, इतना बेहतर कलेक्शन शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में यह वर्णन है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये किस अनुच्छेद में है? ये आपका आर्टिकल नंबर 53 में है, यानी कि समस्त संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है दोस्तों? तो राष्ट्रपति में, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? यानी कि 53 में है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर का सवाल कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान है? यानी कि निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 यानी कि अनुच्छेद 54 में है। उसके बाद देखिएगा पांच नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? मैं आपको बता दूं कि इवन कोई एक सिंगल प्रश्न नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी के सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, ये छह नंबर का सवाल है। छह नंबर का सवाल क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ है। तो ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो ये प्रभावी कब से है? 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ है। उसके बाद कह रहा है क्या जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद उनके सदस्य को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये जानकारी आप रख लीजिए कि जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश जब से बन गया है तो उसके सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन है, 55(3) में वर्णन है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास होता है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं या इसको अर्हताएं भी बोल सकते हैं किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 58 के तहत है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा अनुमोदक भी 50
और प्रस्तावक भी 50 होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि के रूप में कितना जमा करना पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है जमानत राशि के रूप में। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त नहीं करता है या असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यदि डाले गए मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होगा तो वो जमानत राशि खो देगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति की पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होती है, यानी राष्ट्रपति की राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 56वें वर्णन है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56(1) में है। यानी भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 56(1) में है। उसके बाद देखिएगा, 16 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है तो इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति, देखिए इसको थोड़ा प्रिंट गलती हो गया है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जब उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, देता है तो इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति किसे देती है और किस अनुच्छेद के अनुसार, यानी अनुच्छेद 56(2) के अनुसार इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाती है, ये भी आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, 17 नंबर का सवाल है, 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा, वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या ही ये जनसंख्या का तात्पर्य होता है। उसके बाद देखिएगा, 18 नंबर का सवाल, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे किस वर्ष की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है, तो ये 2026 तक। उसके बाद राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 60 में है, यानी अनुच्छेद 60 में ये राष्ट्रपति का शपथ है। उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5,00,000 रुपये प्रति महीना है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, वन लाइनर ये मैं दिया हूँ ताकि आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद के आधार पर वर्णन है, अनुच्छेद 56(1) में इसके बारे में जिक्र है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 61 में किस चीज़ का वर्णन है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, 24 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना पड़ता है, राइट आंसर होगा, 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद देख लीजिएगा, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद भार कौन संभालेगा, तो इसका राइट आंसर होगा, भारत का उपराष्ट्रपति संभालेगा। उसके बाद किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो कार्यभार कौन संभालेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिए, 27 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 77। उसके बाद राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, यानी जो भी काम होगा इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दिया जाएगा, अनुच्छेद 78 के तहत दिया जाएगा, कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा दोस्तों। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के सदन में अभिभाषण का और उनका संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 86। उसके बाद देखिएगा, 30 नंबर का सवाल, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 87(1). उसके बाद देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कुछ दशकों में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108।
उसके बाद किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक देगा या विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा, ये अनुच्छेद 111 में है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, धन विधेयक, और चूंकि इसकी पूर्व अनुमति से ही यह पारित होता है इसलिए इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। उसके बाद देखिएगा किनकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद नंबर 123। और किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, तो क्षमादान की शक्ति जो है दोस्तों ये आपका 72 में है। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर 143 होगा दोस्तों। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 53(2) में यह जिक्र है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किन के पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, इसका राइट आंसर होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है, लाभदायक है, तो आप निश्चित रूप से लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल सके। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर लाइव शो प्रैक्टिस कराया जाता है, आप कितना पढ़े हैं प्रैक्टिस करके आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।